बात अगर हमारे समाज की करें तो हमारे समाज में दो जेंडर सबसे ज्यादा जाने और पहचाने जाते हैं, पहला मेल और दूसरा फीमेल। हम अक्सर तीसरे जेंडर को भूल जाते हैं, यानी कि ट्रांसजेंडर को। लेकिन आज के वक्त में ट्रांसजेंडर भी अलग अलग ऊंचाइयां छू रहे हैं और नए नए मुकाम हासिल कर रहे हैं, और उन्हीं मुकाम की सफलता की कहानी बयां करती हैं नाज जोशी, जो कि पिछले 3 बार से मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी रह चुकी हैं, यानी कि 2017, 2018 और 2019। मैम स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आप मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी रहे हैं, उसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयां। शुक्रिया। और सबसे मतलब लाइफ, जब कभी भी कोई भी सक्सेस मतलब सफलता जब मिल जाती है, हर एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ चेंज आ जाता है, मतलब बहुत कुछ बदलाव आता है। तो अभी तक आपकी लाइफ में क्या बदलाव आया है? मेरी लाइफ में बदलाव जो है अभी शुरुआत हुई है, और सबसे बड़े बदलाव में ये देखा एक्सेप्टेंस कि लोग काफ़ी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से मुझे कंग्रेचुलेशन आ रहे हैं, और इतनी ज़्यादा मैं खुश हूँ कि मैंने इंडिया को प्राउड किया 3 बार, और दुनिया के सब लोग अपने इंस्टा पे स्टेटस बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे इतना वो रिएक्शन दे रहे हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इंडिया की ट्रांस वर्ल्ड को इतना ज़्यादा लोग सेलिब्रेट करेंगे, तो मेरे लिए बहुत कमेंडेबल है। अगर बचपने की बात करें तो बचपने से अगर शुरू करें तो कैसा था वो दौर? जीवन में जो कहते हैं किसी का भी सफ़र जो है आसान नहीं होता है, चाहे वो अमीर से अमीर हो, गरीब से गरीब हो, तकलीफ सबकी ज़िंदगी में होती है, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या ट्रांसजेंडर हो। आई थिंक तकलीफ हम सबके उसमें लाइफ में होती है, पर प्रॉब्लम क्या है कि ट्रांसजेंडर लोगों को सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, माँ बाप सपोर्ट नहीं करते हैं, फैमिली सपोर्ट नहीं करते हैं, फ्रेंड सपोर्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए ज़्यादातर ट्रांसजेंडर जो हैं अपने कबीले में चले जाते हैं, अपने गुरु के साथ रहते हैं और उनको अपनी फैमिली बना लेते हैं, और उनका जीवन जो है भीख मांगने में या फिर टोली बधाई करने में या फिर प्रोस्टिट्यूशन करने में लग जाता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, मैंने जो है बचपन से ही इंडिपेंडेंट रही हूँ। मेरे माँ बाप ने मुझे 7 साल की उम्र में भेज दिया था बॉम्बे में, बॉम्बे में मैंने वहाँ पर मुझे मामा ने काम पे लगाया, बिकॉज वो बहुत ही एक लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ पर 6-7 भाई बहन हम लोग पहले से थे, तो मुझे काम पे लगाया गया, और हम सब लोग काम करते थे, एक मैं अकेली काम नहीं करती थी। तो मेरा जॉब जो है एक ढाबे में लगा, ढाबे से मैंने शुरुआत की काम की। फिर 11 साल की उम्र में जब मेरे थोड़ी बड़ी हुई तो मेरे साथ में जो है बहुत दुर्घटनावश एक स्थिति हुई, जहाँ पे मेरा जो है बलात्कार किया गया, और मैं जब उठी अपने में होश में आई तो मैं अस्पताल में थी, और अस्पताल में मुझे मेरे मामा ने मेरे हाथ पे छोड़ दिया, और उस समय पे मुझे एक ट्रांस महिला मिली जो कि एक टोली में काम करती थी, उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे साथ में आइए और अगर आप करना चाहती हैं काम, तो मैंने मना कर दिया कि मुझे जो है काम जो है वहाँ नहीं करना था, और मुझे उन्होंने एक डांस बार में लगा दिया, और डांस बार हम लोग बोलते हैं कि बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ है, जो एक लोग सोचते हैं, मतलब हर एक लोग सोचते हैं कि हाँ, फिर लोग सोचते हैं कि भी जो है डांस बार बहुत बुरी चीज़ होती है, बट लेकिन आज अगर आप देखें ये कलयुग का समय, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे मंदिर मस्जिद भी आजकल सेफ नहीं है, हम कितना सुनते हैं कि गुरु लोग जो हैं वो कितना कुछ अभद्र चीज़ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डांस बार बोलती, आज हम लोग जो है वहाँ पे एंटरटेनमेंट करते थे, लोगों का जो लोग आते थे एंटरटेनमेंट करते थे, हमें पैसा मिलता था, बस खत्म कहानी, वहीं से वहीं काम खत्म, मॉर्निंग स्कूल जाती थी, शाम को डांस करती थी, और उसके बाद में दिल्ली आई, दिल्ली में मैंने निफ्ट में टॉप किया, उसके बाद मैंने काम किया 2 बिग डिजाइनर्स के साथ में। ये निफ्ट बहुत बड़ी संस्था है भारत की, तो वहाँ पर जब आप गए, जब आप टॉपर बने, उस टाइम मतलब वहाँ पे आपको एक्सेप्ट किया लोगों ने, या फिर वहाँ का नजरिया कैसा था? जी 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 मैं बताती हूँ आपको, एक हमारी मीडिया लाइन, फैशन लाइन और फिल्म लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे सभी को बहुत ही इजीली स्वीकार कर लेते हैं, चाहे आप कोई भी जेंडर में हो, मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, आपको बहुत इजीली एक्सेप्ट किया जाता है। और मेरे लिए NIFT में जब मैं गई थी तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस बहुत इजी थी, बिकॉज वहाँ पे जो है LGBTQIA की कम्युनिटी के बहुत सारे मेंबर्स थे, और वहाँ पे बहुत वेलकमिंग था मेरे लिए जो था, और मैं बहुत खुश थी। वो 3 साल जो मैंने निफ्ट में बिताए, आई थिंक वो मेरी लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स रहे हैं। फिर निफ्ट के बाद जब आप यहाँ पर आए, मतलब मिस डाइवर्सिटी के लिए आपको किसने बताया, मतलब कि आप ये निफ्ट के बाद में बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी। निफ्ट के बाद में मैंने काम किया, डिजाइनर्स के साथ काम किया, जैसे मैं बताई रही थी आपको कि वहाँ पे मैं इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी, तो मैंने लेबल भी चालू किया, लेबल से भी मैं अपना इतना फेमस नहीं हो पाई, मैंने अपना एक बुटीक खोला शाहदरा में,
वहां पे भी इतना सक्सेसफुल था बिकॉज सबको लग रहा है कि ट्रांस में सब लोग ना एक कहते हैं इंग्लिश में टर्म है ट्रांसफोबिक, लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है ट्रांसजेंडर से. मतलब मैंने देखा है कि अभी तो काफी चीजें चेंज हो रही हैं, बट आज भी जब मैं मार्केट जाती हूँ तो मैंने देखा लोगों की नजरें जो है बढ़ जाती है मेरे ऊपर में. और ये सब जो है ये पहले तो बहुत ज्यादा होता था और लोग डर के लिए डर से मेरे ब्यूटी पे नहीं आते थे कि भाई हाँ ट्रांसजेंडर महिला की ब्यूटी पे क्यों कौन जाएगा. और इसलिए मैं ब्यूटी पे चल पाया तो मुझे जो है मजबूरन होके एक स्पा में काम करना पड़ा. एक जो है एक स्पा होता है हमारा मसाज पार्लर, वहाँ काम करना पड़ा और वहाँ पे मैं एज ए मैनेजर कम मसाज दोनों चीज करती थी वहाँ पे मैं, और वहाँ मुझे अच्छी आमदनी हो जाती थी. और उसी समय मेरी मुलाकात हुई थी मिस्टर ऋषि तरीजा से जो कि एक फैशन फोटोग्राफर थे. उन्होंने कहा था कि उनको एक ट्रांसजेंडर की लाइफ पे कुछ बनाना है क्योंकि मैं उस टाइम पे स्पा में काम कर रही थी. तो वो चाहते थे कि मेरे साथ में दो सर्दियों के साथ रहे, मेरे साथ में दो विंटर्स उन्होंने मेरे साथ स्पेंड किया है. और दो विंटर स्पेंड करने के बाद उन्होंने मेरे काफी सारे एस्पेक्ट्स को जो है एक बायोपिक के जरिए एक ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के चक्कर में ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज के थ्रू उन्होंने जो है लोगों को बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से ट्रांस लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती हैं. उसके बाद जब आप मीडिया में आए फिर आपने जितना मुझे मालूम है आपने स्पा में काम करते वक्त भी काफ़ी सारी परेशानियां वहां पर भी झेली थी. उसके बाद फिर पैसे कमाना क्योंकि हर एक इंसान के लिए पैसे मायने तो रखता है लेकिन कभी कभी वो ज़रूरत होती है. तो फिर उस टाइम आपका क्या था, मतलब क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो इंसान कुछ भी कर गुजरता है, तो फिर आपने क्या किया था उस टाइम पैसों की? देखिए क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम ये थी कि जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी आज की डेट में भी बहुत एक्सपेंसिव है. तो फिर मुझे पैसा कमाना था अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए बिकॉज मैं जब पैदा हुई थी मैं पैदा लड़के के शरीर में हुई थी, ठीक है, और मैं जो है कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती थी अपने आप से मेरी बॉडी जो है और मेरा माइंड जो है जो मेरी आत्मा है वो तीनों अलग अलग थी. मैं शीशे में देखी थी अपने आप को, मैंने बचपन से कभी किसी ने भी बोला नहीं आके, लोग बोलते हैं मैं छठी में हुआ बात साथ में हुआ, मैं शायद जैसे पैदा हुई तब से लगता है मैं लड़की हूँ, मुझे कोई लगा ही नहीं कि मैं लड़का हूँ, ठीक है. तो अपने आप से बात करना भी वो लड़की की वजह से ही होता और मुझे बहुत लोग बोलते थे कि भाई ठीक से चलो लड़कों की तरह चलो. मैं काफी बार प्रैक्टिस करती थी क्या कैसे चलो, मैं से नहीं हो पाता था बिल्कुल भी. जब मुझे मालूम पड़ा कि सर्जरीज भी होती हैं तो मैंने फिर कदम बढ़ाया, मैंने जो है मिली जो साइकेट्रिस्ट से विम हेंस में, उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिया ट्रांसजेंडर होने का. फिर मैंने अपने हार्मोन्स चेंज कराए अपने, और हार्मोन्स चेंज कराने के भी बहुत कॉस्ट होती है महीने में. अब कॉस्ट 7,000 रुपीज पर मंथ कॉस्ट आती है, 7,000 to 8,000 रुपीज पर मंथ कॉस्ट आती है. सो ये इतना फिगर कमाना जो है हर एक नॉर्मल इंसान के लिए क्या बोलते हैं सैलरी इंसान के लिए ये जो है पॉसिबल नहीं है. तो फिर अब इंसान क्या करे, इंसान गलत रास्ता चूज करता है जो मैंने भी चूज किया. और आज मुझे जो है मुड़ के देखूँ तो मुझे कोई शिकवा नहीं है अपनी लाइफ से कि मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज मैंने जो भी डिसीजन लिए अपनी लाइफ के लिए वो अपने खुद के लिए लिए हैं मैंने. वैसे बचपन में भी काफी, मतलब बचपन का रोल तो हमेशा से ही काफी वो होता है, तो उस टाइम जब उन लोग कोई भी साथ नहीं दे रहा था उस टाइम आपके दिमाग, अभी भी आज के टाइम में आप सक्सेसफुल पर्सन में आ गए हैं, मतलब सफलता का मुकाम तो आपने हासिल कर लिया, लेकिन जब बचपना था जब सफलता की दौर की शुरुआत थी उस टाइम लोग किस नजरिए से, मतलब क्योंकि तंज तो मारते ही हैं हर एक इंसान, कुछ न कई सारे वर्ड्स होते हैं हमारे बाजार में जो भी हैं, तो वो जब यूज करते थे तब अपने आप को कैसे आप संभालते थे? मैं हर एक दर्शक जो देख रहा है उनसे खाली एक सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर कोई आपको एक ताना मार दे रात को या दिन में कभी भी, आप शायद पूरी रात नहीं सो पाएंगे, है ना. हम लोग जब से पैदा होते हैं और जब तक मर नहीं जाते हैं ये तानों का दौर जो है वो कम नहीं होता है, वो बढ़ता जाता है. और ये तानों का दौर हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी होता है. हमारा परिवार बहुत कुछ सुनता है और सहता है. हर एक माता पिता को अपने बच्चों को जो है वो शिक्षा देनी चाहिए कि भाई हाँ एक आदमी है, एक औरत है, थर्ड जेंडर भी है, तो उसे रिस्पेक्ट की जाए. बात अगर तीसरे जेंडर की करें, मतलब ट्रांसजेंडर, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके बाद से आपको लगता है कि लोगों का नजरिया थोड़ा बहुत चेंज हुआ है या अभी भी बस वही घर रहा है? देखिए अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि हमारा जो सेंसेक्स बोलता है कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है, हमारी पॉपुलेशन जो है सेंसेक्स बोलता है वो है 4.4 लाख, जो कि बिल्कुल ही गलत है. हम लोगों की पॉपुलेशन इस टाइम पे एटलीस्ट 50 लाख हम लोग हैं, 50 लाख हमारी जो है जनगणना है. वो जो 4 लाख हमने गिने हैं वो सिर्फ वोटर्स गिने हैं जो वोटर्स आईडी में रजिस्टर्ड हैं.
उन्होंने वो नहीं गिने हैं जिन्होंने जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है वोटर आईडी, क्योंकि अभी सोसाइटी से लोग बाहर आना नहीं चाहते या अपनी पहचान अभी भी छिपाते हैं लोग। वैसे आपने अभी शादी की बात की कि हर एक इंसान चाहता है कि उसकी शादी हो, जितना मेरे को मालूम है कि आपकी भी एंगेजमेंट हुई थी, उसके बाद फिर किसी कारणवश वो टूट गई, तो उस पर आप थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे क्या? उस पर क्या बताऊँ मैं, मेरा ऑफकोर्स अफेयर्स रहे हैं, हर एक इंसान को कोई ना कोई पार्टनर चाहिए होता है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, तो मेरे दो अफेयर्स रहे हैं और अभी जो रिसेंट अफेयर था वो एंगेजमेंट तक चली थी बात मेरी, और उसके घर वालों को कहीं से मालूम पड़ गया कि मैं ट्रांसजेंडर हूँ, और मैं क्योंकि मैं बहुत फेमस हूँ, जैसे मैंने नाम डाला गूगल पे तो उनको काफ़ी सारी चिट्ठियाँ मिल गई, मतलब पूरा चिट्ठा पत्र मिल गया उनको, तो वो लोग नहीं चाह रहे थे कि क्लास मिला उनकी बहू बने, तो इसलिए मेरी जो है शादी टूट गई। बट एनीवेज मैं बहुत डिप्रेस थी, लेकिन मैंने कभी भी लाइफ में डिप्रेशन को अपनी तरफ आने नहीं दिया, कहते हैं अगर दुख में आप हंसो और दुख में मुस्कुराओ दुख एकदम से भाग जाएगा। इसके अलावा जब जैसे कि आपने बताया 34 साल के हैं, जब आपको 31वें साल पे कर, मतलब 2017 में जाकर के पहली बार जब आप मिस डाइवर्सिटी चुनी गई, उसके बाद से आपका नजरिया अपनी जिंदगी को जीने के को लेकर कैसा रहा? मैं तो सबको ये बोलना चाहूंगी कि सक्सेस आती है आपके जीवन में, उससे आप सर पे ना चढ़ने दें। मैंने कभी भी सक्सेस को सर पे चढ़ने नहीं दिया है, जितनी मुझे जो है नेम मिलेगा या फेम मिलेगा कुछ भी मिलेगा, मैं उसको एक वॉइस बनूंगी लोगों की, और लोगों की वॉइस बन के मैं जो है उनके लिए काम करना चाहूंगी। जैसे कि मैं अभी महिलाओं के लिए काम करती हूँ, उनकी सशक्तिकरण के लिए काम करती हूँ, और मैं जो है अभी सेल बनाने वाली हूँ ट्रांसजेंडर का सेल, जहाँ के जहाँ पर लोग आके कंप्लेन कर सकेंगे, और मैं जाकर आगे जाके जो है हमारी सरकार को या फिर हमारे ह्यूमन राइट कमीशन को जाके बताऊंगी उनकी प्रॉब्लम्स और कुछ करूंगी सोसाइटी के लिए। तो मैंने कभी सक्सेस को सर पे चढ़ने नहीं दिया, और मैं जैसी 34 साल पहले थी वैसी मैं आज हूँ। लगातार तीन बार एक ही खिताब को मतलब अचीव करना या प्राप्त करना बहुत बड़ी बात होती है। जी बात तो होती है बड़ी, लेकिन मेरी बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो बस खाली ये था कि मुझे अपना 100% देना है। मैंने कभी रिजल्ट नहीं सोचा, भगवत गीता में लिखा हुआ है, मैं बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ कृष्णा जी की, और मेरे पीछे टैटू भी है मोर पंख का, तो मैं भगवत गीता पढ़ी है, मैंने बोला कर्म करो फल की इच्छा मत करो। वैसे आपने अभी बताया कि आपने भगवत गीता पढ़ी है और आप कृष्ण के भक्त भी हैं, तो आपका जो नाम है मतलब नाज और जोशी, मतलब इसमें भी मतलब मम्मी और पापा की फैमिली आपकी थोड़ी बहुत, उसके बारे में आप थोड़ा बहुत बताएंगे? जी मेरी मम्मी जो है वो मुस्लिम है, और उन्हें उसको कन्वर्ट होकर हिंदू के शादी करी है। पापा तो हिंदू हैं, पंजाबी हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं, और ही आते हैं पंजाब की ही धरती को, वहां पर शायद आपने प्रमोट किया था। मैंने लास्ट ईयर एक मिस ट्रांस को इंडिया कॉम्पिटिशन में वो किया था, मेरा लाइफ का फर्स्ट ट्रांसजेंडर पेजेंट था मेरा, तो इंडिया में वो अभी होना शुरू हुआ था, तो मैंने मिस ट्रांस को इंडिया क्लासिक कैटेगरी जो है वो जीता, और मैंने पंजाब को रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि मैं चाहती थी मेरे पापा प्राउड करे। और जब मेरा नाम पंजाब के न्यूज़पेपर में अभी आया, मुझे सबसे ज्यादा खुशी तभी हुई थी बिकॉज मैंने डैड को दिखाया, देखो अभी आप आपके न्यूज़पेपर में आ रहे, तो इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने पापा तो खुश हुए थे। लास्ट ईयर मैं इनफैक्ट घर आई हूँ, मैंने उससे पहले घर पे नहीं गई थी कभी, तो 33 ईयर्स की एज में मुझे घर वाले अपना आया, और अभी भी और मेरी एक बेटी भी है, इनफैक्ट लास्ट ईयर मैंने गोद लिया एक बेटी को, 15 साल उनकी बेटी थी जब मेरे पास वो आई थी, और अभी वो 8 महीने की हो गई है, और डेफिनेटली एक लाइफ में बदलाव आया है। मम्मी बोलती होगी तो बदलाव तो आएगा ही। हाँ नहीं बदलाव आया है एक तरह से कि एक खालीपन जो रहता है एक हर एक इंसान की लाइफ में, चाहे वो ट्रांस हो चाहे वो आदमी हो या औरत हो, मैं आपको देखती हूँ बहुत सारे लोग लिविंग रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है कई बार किसी की शादी टूट जाती है किसी का कुछ, और कई लोगों को शायद बच्चा नहीं होता है, IVF से बच्चे पैदा करते हैं। मैं उनको खाली एक सलाह दूंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप IVF से बच्चा पैदा करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वही 10 लाख रुपया 15 लाख रुपया जब लगाते हैं ट्रीटमेंट के अंदर में, काश आप लोग एक ऑर्फन को गोद ले लेने, क्योंकि ममता जो है ममता कभी भी जो है ब्लाइंड होती है, वो ये नहीं देखती किसी और का बच्चा है या मेरा बच्चा है। मैं अपनी बेटी से इतनी प्यार करती हूँ, शायद अगर मेरी कोख से जन्मी होती बच्ची मैं उतना ही उसको प्यार करती हूँ जितना करती थी। जो मुहिम चला रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, उसके अलावा आप चाहते हैं एक ट्रांस वर्ड्स को भी शायद आप रिमूव करना चाहते हैं इस सोसाइटी से ही, तो उसके बारे में क्या चल रहा है आपकी क्या प्लान? मैंने अभी रिसेंटली जो है ट्रांस बिल का जब डिस्कशन हुआ था राज्यसभा में, मैंने डिस्कस ये बात की थी, तो उन्होंने बात बोली है कि जैसे कि शुरुआत में अगर कोई आदमी है या कोई औरत है, अगर उनको जो है लगता है कि जेंडर में नहीं पैदा हुआ है, सही जेंडर पैदा नहीं हुआ है, तो जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेंगे तो उनको ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट दिया जाएगा,
और सर्टिफिकेट के बाद अगर आप सेक्स चेंज करवा लेते हैं अपना, अगर आप मेल बन जाते हैं, फीमेल बन जाते हैं, तो आपको मेल या फीमेल का ही आपको एक कार्ड नंबर मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलेगा और आपको सर्टिफिकेट मेल फीमेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर आपको अपने ऊपर है कि आप उसको एक किस तरह से आप पेश करना चाहते हैं, ट्रांस महिला के उसमें या ट्रांस उसके ऊपर में। नहीं, जहाँ तो मेरा सवाल है, मैं तो खैर जब फेमस होना शुरू हुई थी तो मैं ट्रांस मेंबर ही थी, उसके बाद में मैं ट्रांस फीमेल हुई, तो मेरे लिए मुझे जो है हाँ हटा देना चाहिए, मेरे लिए नहीं बाकी भी तो हटा देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो खुश हूँ ट्रांस महिला में। अभी जैसे कि हमारा चैनल जो है द इंडियननेस है, तो आपको क्या लगता है जो भारतीयता की जो बात होती है, तो भारतीयता में आज के टाइम में तीन हमारे जो जेंडर हैं उसके बीच में आपको क्या लगता है कि अभी भी गैप है या वो अब धीरे धीरे छटता जा रहा है? जी, मैं तो बहुत होपफुल हूँ, मुझे लग रहा है कि शायद धीरे धीरे करके झटता जा रहा है वो गैप बिटवीन एक मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। मेरे को लगता है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार जो है इधर दिखा रही है कि हम लोग जो है ट्रांसजेंडर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एक बात ये बोलना चाहूंगी कि अभी तक मुझे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया नहीं है मिलने के लिए, और मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी नरेंद्र मोदी जी को, प्लीज मानिश चिल्ले जब जीत के आई थी आपने मुझे बुलाया, मैं तीन बार जीत के आई हूँ, मुझे आपका बुला रहे हैं और मैं आपसे मिलकर कॉफी पीना चाहूंगी आपके साथ में। दूसरी चीज और कॉफी डिस्कस करना चाहूंगी कि हमारे ट्रांसजेंडर्स के क्या इश्यूज होते हैं। तो वैसे मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द से जल्द हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलें। जी जी, मैं तो वाकई आप की सफलता की कहानी और आपकी पूरी समय ये पूरा दौर काफी अच्छा है, और हर एक इंसान जब काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स झेलता है तब जाकर के कहीं ऊंचाइयों को छू पाता है, तो आपने भी सेम उसी तरह ही जिंदगी को अचीव किया है, तो काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। और शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा है आके चैनल पे आके, और आई थिंक मेरा जो आज तक का एक कह सकते हैं बेस्ट इंटरव्यू रहा है, और एक इंटरव्यू काम में डिस्कशन चल रहा है जहाँ पे हमने बैठ के डिस्कस किए हैं चीजों को, और कोशिश यही रहती है कि हम एक पूरी जर्नी को दिखाएं ताकि लोग जान सके, समझ सके हम दिखाना क्या चाहते हैं और भारतीयता को कैसे लोग अपने नजरिए से देखते हैं, कैसे समझते हैं। मैं सभी दर्शकों को नमस्ते बोलना चाहूंगी और कहूंगी कि आप लोग प्लीज जिस तरह सपोर्ट करते आए हैं मुझे और मेरी कम्युनिटी को, आगे सपोर्ट करते रहें और ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी ये सुपर लेडी, हमें जरूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, और जुड़े रहें इसी तरह, हम दिखाएंगे आपको रियल हीरोज से और मिलाएंगे आपको इसी तरह। नमस्कार।